अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जिनमें सबसे पहले हैक है कि अगर आप लोगों के आईब्रोज कुछ इस तरह से दिखते हैं सारे दिन में, इस तरह की हालत उनकी हो जाती है, तो जब आप मेकअप करते हैं या फिर अगर आप पूरे दिन में अपने मतलब आईब्रोज को फिलअप कर लेते हैं तो सारे दिन में आपकी शक्ल बहुत फ्रेश और अच्छी सी दिखती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैंने कहीं बाहर जाना हो तो मैं खाली आईब्रो फिल कर लेती हूँ, तो एक गुड लुक सी आ जाती है। तो चलिए जनाब, इसको सबसे पहले हम किसी भी आईब्रो पेंसिल की हेल्प से इसको फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर वैसलीन का यूज़ करूँगी, और आप चाहें तो इस पर लिप बाम का भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर ब्रांड यू कम्फर्टेबल विथ। अच्छी तरह फिलअप करने के बाद मैं वैसलीन लूँगी और स्पूली की हेल्प से वैसलीन लगा के मैं अच्छी तरह से अपने आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। और मैंने कभी भी आईब्रो जेल वगैरह और फिक्सर, आईब्रो फिक्सर जो होते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं की। आपने मेरी मेकअप ट्यूटोरियल में भी देखा होगा, मैंने कभी आईब्रो जेल जो होती है मैंने यूज़ नहीं की। आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी वैसलीन को या अपने लिप बाम को अपने आईब्रोज पर प्लेस कर सकते हैं, एंड यू हैव टू गो टू गो। फॉर माई नेक्स्ट हैक, हमें एक स्पून चाहिए होगा, और स्पून आई थिंक हर एक के घर में अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है कि कंसीलर लेना है और उसके टॉप पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपनी लिड पर इसको प्लेस कर देना है, और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कट क्रीज कहाँ से बनाना है। उसके बाद आपने कंसीलर को अप्लाई कर लेना है और अपनी आई शेडो जो है वो सिंपली अप्लाई कर देनी है। बाजू का ऐसे होते हैं कि जब आप अपने अंदाजे से कट क्रीज करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। अगर आप स्पून की हेल्प से करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने कट क्रीज कहाँ से करना है। फॉर माय नेक्स्ट हैक, अगर आप लोगों के पास आई मेकअप करने के लिए ब्रशेस अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट एक सिंपल आई शेडो ली है, आई थिंक ब्राउन कलर है ये, रस्ट ब्राउन कलर, नहीं रस्ट कलर है या ब्राउन कलर है, कैमरा कुछ और ही दिखा रहा है। तो आपने सिंपल एक आई शेडो लेनी है, उसको अपनी पूरी लिड पर अप्लाई कर देना है। कॉटन बड की हेल्प से बहुत अच्छी आई शेडो अप्लाई हो जाती है। जस्ट आपने लिड पर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको हैवी लुक नहीं देनी। एमरजेंसी में अगर आपको कॉटन बड की हेल्प से अपना आई मेकअप करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो आई शेड्स का यूज़ मत कीजिएगा, जस्ट गो फॉर वन और टू कलर्स। फॉर माई नेक्स्ट हैक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि सबको पता है कि वाइट आई पेंसिल जो है वो हमारी आईज़ को बिग दिखाने के लिए होता है, बड़ा दिखाने के लिए होती है। तो जनाब, पहले जो है हम सब लोग क्या करते हैं गलती, वो गलती मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ, कि पहले मैं क्या करती थी कि अपनी लोअर वाटर लाइन पर जब मैं आई पेंसिल यूज़ करती थी और अपनी अपर वाटर लाइन पर मैं ब्लैक काजल या आई लाइनर यूज़ कर लेती थी, और कुछ ही देर बाद जब हम अपनी आईज़ को चपकते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, शेड्स वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स हो के एक अजीब सा ही कलर बन जाता है, और वो फिर हमारी आँखें जो हैं, जो हमारी आईज़ हैं, वो बिग दिखने की बजाय चुनी मुनी से दिखना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब, करना हमें ये है कि सिंपली हमने वाइट आई पेंसिल जैसे हमने लोअर वाटर लाइन पर लगानी है, बिल्कुल वैसे ही वही वाली आई पेंसिल वाइट वाली हमने अपनी अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करनी है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी आईज़ तब जाकर बिग दिखना शुरू होंगी। अदरवाइज़ अगर आप अपर वाटर लाइन पर ब्लैक आई पेंसिल यूज़ करते हैं या काजल या आप लाइनर यूज़ करते हैं तो आपकी आईज़ जो है वो बिग दिखने की बजाय अजीब सी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे मत करिएगा, ताकि आपकी आईज़ जो है वो खूबसूरत सी दिखे, बड़ी सी आईज़ दिखे आपकी। फॉर माय नेक्स्ट हैक, अगर आप लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपने क्या करना है कि एक कंसीलर लेना है। अगर आप कंसीलर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिप्स के आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा कंसीलर जो है वो अप्लाई करूँगी और अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करने के बाद हमने एक ब्लैक कलर की पेंसिल लेनी है, आई पेंसिल ले लें, लिप पेंसिल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ब्लैक कलर में पेंसिल ले सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि आपके जो लिप्स के आउटर कॉर्नर्स हैं ना, उससे थोड़ा सा आपने नीचे जाके लिप को लाइन करना है, ताकि आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से बड़े दिखें और अच्छे भी दिखें। इसी तरह करके सेम मैंने अपने अपर लिप्स पर भी सेम
उसी तरह मैंने लाइन कर लिया, थोड़ा सा आउटर लाइन की थोड़ा सा बाहर जाके मैंने इसको लाइन किया है लिप को। अब आपको क्या करना है कि इसी लिप पेंसिल को आपने अपने लिप्स के थोड़ा सा अंदर भी अप्लाई कर लेना है, ताकि शेप जो है वो बहुत अच्छी दिखे लिप्स की। बिल्कुल इस तरह करके आपने अंदर भी थोड़ी सी वही वाली ब्लैक पेंसिल अप्लाई कर लेनी है, और उसके बाद आपने लिपस्टिक कोई भी जो आपको कलर पसंद है वो आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मेबलिन का शेड लगा रही हूँ, मैं इसका शेड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जनाब डिफरेंस जो है वो आपके सामने है कि जो लिप्स हैं वो कितने अच्छे दिख रहे हैं और बड़े भी लग रहे हैं। आपने इस ट्रिक को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे ये हैक्स पसंद आ रहे हैं तो आपने काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। फॉर माई नेक्स्ट हैक, जैसा कि सबको पता है कि हमारा जो महंगे तरीन जो मस्कारे होते हैं वो सूख जाते हैं, और बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत महंगे वाले मस्कारे जो हैं वो यूज़ कर चुकी हूं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और इनका हल जो है मैं आपको एक दो वीडियोस में बता चुकी हूं कि ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ऑयल के साथ तो आप इसमें जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 ड्रॉप्स मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाऊंगी, फिर मैं इसको अच्छी तरह से शेक करूंगी और आप इसका डिफरेंस जो है वो खुद अपना देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ लोग करते हैं कि इसको वॉर्म वाटर में भी रख देते हैं, तो ये इतना जो है वो काम नहीं देता। तो आइए जनाब 3 to 4 ड्रॉप्स इसमें डाल के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलते हैं। यहाँ पर मैंने आई मस्कारा खोल लिया है और इसमें मैं ऐड करने वाली 3 to 4 ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट सोल्यूशन के, और इसको ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से शेक करूँगी। ढक्कन खोल कर भी मैं इसको शेक करूँगी अच्छी तरह से, और फिर मैं आपको अपने बाजू पर दोबारा से अप्लाई करके दिखाऊँगी। और बिफ़ोर एंड आफ्टर आप रिज़ल्ट खुद चेक कर सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और अब मैं आपको अपनी आईलैशेस पर ये मस्कारा जो है अप्लाई करके दिखाऊंगी। सी व्हाट एन अमेजिंग रिजल्ट्स। आप ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। फॉर माय नेक्स्ट हैक, आईलाइनर हैक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक है। हम सब से बल्कि मुझसे भी कुछ साल पहले आईलाइनर जो था वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगता था। मेरे विंग्स जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हुए थे, कभी छोटे कभी बड़े कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते थे। बेशक मैं सिंपल आईलाइनर लगाऊं लेकिन मुझसे ये मिस्टेक ज़रूर होती थी। और आपको पता है कि जब लाइनर ठीक ना लग रहा हो कि शादी का मूड ही ख़राब हो जाता है, शादी में जाने का सारा मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। या कोई भी फंक्शन हो अगर आपका लाइनर नहीं ठीक, तो सारी शादी पर सारे फंक्शन पर आप अनकम्फर्टेबल ही रहते हैं। तो लाइनर लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कार्ड है, मेरे पास ये डेबिट कार्ड है और ये एक्सपायर हुआ हुआ है, अगर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है तो वो भी चलेगा। उसके टॉप पर आपने इस तरह बिल्कुल जैसे मैं स्क्रीन लगा कर दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह लगाना है। एक लाइन खींच लेनी है जितना लंबा आपने विंग रखना है, और आपने जहाँ पर विंग रखना चाहते हैं या जहाँ से आप लाइनर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाकर आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो आपका एक ज़बरदस्त किस्म का विंग बन जाएगा और लाइन खींच जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ से जो है वो विंग स्टार्ट करना है। दोनों साइड्स पे आप इसी तरह कर लेंगे, आपका एग्जैक्ट इक्वल लगेगा आपका आईलाइनर। जनाब अब आपने सिंपल अपना आईलाइनर को कंप्लीट कर लेना है जैसे आप लगाना चाहते हैं, मोटा पतला। तो यहाँ पर आपके एग्जैक्ट आईलाइनर लग जाएगा, और ये ट्रिक आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरे साथ शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। फॉर माई नेक्स्ट हैक, अगर आप लोगों के पास फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट आ जाता है, बहुत ही वाइट शेड में आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा लेना है फाउंडेशन को, और उसमें आपने थोड़ा सा ब्राउन्ज़र ऐड कर देना है। ब्राउन्ज़र आपने स्पूली की हेल्प से इसके अंदर ऐड करना है, वरना अगर आप किसी और चीज़ से ब्राउन्ज़र ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने ब्राउन्ज़र को स्पूली की हेल्प से इसमें ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो आपका शेड जो है वो लाइटर टोन से आपकी एग्जैक्ट जो है फेस टोन की शेड में आ जाएगा। बहुत हेल्पफुल जो है ये हैक है, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको। अब मैं आपको इस फाउंडेशन को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि जो मेरा फाउंडेशन था वो कुछ इस शेड में था, और जब मैंने इसमें ब्राउन्ज़र ऐड किया तो वो इस शेड में आ गया। बहुत हेल्पफुल हैक है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मेरे साथ शेयर करना है कि आपको कैसा लगा।
फॉर माई लास्ट हैक, आपने विनेगर लेना है। अगर आपके पास विनेगर स्प्रे बॉटल में अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन पैड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने नेल्स के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ विनेगर का, और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इससे ये होगा कि आपके नेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और आपके नेल्स पर जो येलोपन होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, विनेगर लगाने के बाद इसको आपने कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी नेल पॉलिश लगा लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो नेल पॉलिश है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और आपके नेल्स में जो एक्सेस ऑयल्स वगैरह होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप डिफरेंस देख सकेंगे कि जो आपका नेल पॉलिश है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, किसी भी ब्रांड का नेल पॉलिश लीजिएगा आप, और आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा कि आपका नेल पेंट जो कितना अच्छा लगा है और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ट्राई करके शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आपने कमेंट करके मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो बिग थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।